स्पेशल ब्रांच ने मंशियात बेचने वाले पुलिस वालों में एक मुर्दा पुलिस अहलकार को भी शामिल कर दिया। आपकी इस तरह की रिपोर्टिंग पर सवालिया निशान लग जाता है। ये रिपोर्ट्स दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस बनती है। अगली मर्तबा स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स में किसी मरे हुए शख्स की निशानदही की गई तो एसपीस का तबादला कर दिया जाएगा। काम को संजीदगी से करें, आपकी निशानदही पर पुलिस का इन्हसार होता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तीसरा इजलास तलब कर रखा था। इस इजलास में डीआईजीज और एसएसपीज को नहीं बुलाया गया, बल्कि स्पेशल ब्रांच और नए एएसपीज को टास्क दिया गया। डीआईजीज और एसएसपी की कारकर्दगी पहली मीटिंग में मायूस कुन थी, जिसकी वजह से आईजी सिंध को एएसपीज की मदद लेना पड़ रही है। जराए बताते हैं कि आईजी सिंध पुलिस ने चार इजला की निशानदही की है। पहले मरहले में जिला एसएसपी को टास्क दिया जाएगा, फिर जोनल डीआईजी को मंशियात, मावा, गुटका, मैनपुरी बंद कराने का टास्क दिया जाएगा। अगर डीआईजीज और एसएसपीज ने हुक्म की तामील ना की तो एएसपी को रवाना कर दिया जाएगा। फिर जो टंडो मोहम्मद खान में हुआ वही होगा। टंडो मोहम्मद खान के एसएसपी अब्दुल्ला मोहम्मद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भी मामले की तहकीकात में लगा हुआ है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के तीसरे इजलास की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस इजलास में 207 पुलिस अफसरान और अहलकारों की निशानदही की गई। ये वो अफसरान और अहलकार हैं जो मुनज्जम तरीके से मंशियात फरोशी को फरोग देते हैं, गुटके, मावे और मैनपुरी के कारोबार से वाबस्ता हैं और इस घनौने कारोबार से मुंसलिक ताकतवर लोगों को सहूलत कारी की सर्विसेज देते हैं और इनको भरपूर शेल्टर भी देते हैं। फैसला किया गया इन पुलिस अफसरान और अहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। फिर मशावरत की गई, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं तो सिंध पुलिस के लीगल डिपार्टमेंट ने रोशनी डाली। पुलिस की काली भेड़ों को बरतरफ करेंगे तो ये बहाली की अपीलें करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे तो ये क्लियर होकर फिर नौकरी पर आ जाएंगे। तो फिर आखिर में ये फैसला किया गया इन पुलिस अफसरान और अहलकारों को सजा के तौर पर जिला बदर किया जाएगा। और पहले मरहले में कुछ हैदराबाद, जामशोरो, ठट्ठा, टंडो अलायार, दादू, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, मलीर, वेस्ट, सेंट्रल और सिटी के पुलिस अहलकारों को खुड्डे लाइन लगाया गया है। अब सिंध पुलिस के एएसपी का इम्तिहान शुरू हो गया है। वो सिस्टम में शामिल हो जाते हैं या फिर इस सिस्टम को उखाड़ फेंकने में आईजी सिंध और स्पेशल ब्रांच की मदद करेंगे। जराए बताते हैं कि स्पेशल ब्रांच ने कुछ नई फहरिस्तें तैयार की हैं, जिनमें सीनियर अफसरान की भी निशानदही की गई है। ये अफसरान और इनके फ्रंट मैन की तफसीलात भी इस फहरिस्त में मौजूद है। तीसरे के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जेरे सदारत चौथा इजलास शुरू हुआ तो आईजी सिंध ने सवाल किया, कोई बड़ा मंशियात फरोश पकड़ा? कॉन्फ्रेंस हॉल में खामोशी छा गई। तो फिर सवाल हुआ, डकैती मजाहमत पर कराची के शहरियों को कत्ल करने वाले किसी कातिल को पकड़ा? तो अफसरान बगलें झांकने लगे और ये चौथा इजलास भी शर्मिंदा शर्मिंदा की चीखें मारता हुआ खत्म हो गया।